हेलो फ्रेंड, हियर वी आर टू टॉक अबाउट प्रेजेंट टेंस। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। जैसा कि परफेक्ट मतलब क्या होता है, पूरा, और कॉन्टिन्यूअस मतलब होता है चल रहा हो, जारी हो। तो वो टेंस, वो काम जो प्रेजेंट टेंस में किसी परफेक्ट समय से या एक परफेक्ट टाइम से स्टार्ट हुआ है। चलिए पूरा डिटेल जानते हैं पूरे अच्छे तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, टेंस में प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी कि प्रोग्रेसिव टेंस भी उसे कहते हैं, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और हम चौथे वाले की बात करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब चलते हैं उसके कुछ रूल्स देखते हैं और समझते हैं कि कैसे ये हो रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, व्हाट इट मीन्स। जैसा कि मैंने अभी पहले डिस्कस किया है कि प्रेजेंट मतलब वर्तमान में होगा, प्रेजेंट मतलब वर्तमान में होगा, वो कोई काम जो होगा वो वर्तमान में होगा। परफेक्ट मतलब जो कंप्लीट होगा, लेकिन इन द सेंस ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से वो कंप्लीट होगा। कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है, जो जारी होगा, विल कंटिन्यू। और टेंस मतलब आपको पता है काल एक तरीके से, तो यह स्ट्रक्चर जो काल को दिखाता है। तो आइडेंटिफिकेशन हिंदी में आप देख ही चुके, हिंदी में क्या है, रहा है, रहा हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द आएंगे आपको। जैसे मैं खेल रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, जा रहा हूँ, ऐसे। प्लस टाइम, टाइम का जिक्र होगा लेकिन से के साथ, कि मतलब से का जिक्र होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मैं दोपहर को खेल रहा, मतलब मैं इस समय खेल रहा हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ मैं इस समय खेल रहा हूँ, तो से नहीं आया। देखिए पूरे सेंटेंस में आप ध्यान दे सकते हो, मैं इस समय खेल रहा हूँ, से का कहीं जिक्र नहीं है। इसका मतलब जब से का जिक्र नहीं है, तब इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं बनाएंगे, इसको हम बनाएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। देर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब वो डिफरेंस है से, हिंदी में से ही हम पता लगा पाते हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस टेंस है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, उसमें हिंदी में से जरूर आएगा। इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, एक्शन विल बी कॉन्टिन्यूअस वाइल टेलिंग अबाउट पीरियड और पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब एक्शन कॉन्टिन्यू तो होगा, पर वो ये भी बताएगा कि वो कब से स्टार्ट है। पॉइंट ऑफ टाइम भी बता सकता है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट उस समय जब वो स्टार्ट हुआ हो, या पीरियड ऑफ टाइम, जो एग्जैक्ट अंतराल में कब वो स्टार्ट हुआ है, वो उससे हम पता लगाते हैं। और रही बात सिंस, इसमें हम सिंस फॉर का प्रयोग करेंगे। जो से हिंदी में से आता है, उसके लिए हम सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। तो सिंस का प्रयोग करेंगे जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात होगी। पॉइंट ऑफ टाइम मीन्स व्हेन वी टॉक अबाउट पॉइंट ऑफ टाइम, इट्स मीन इवनिंग। इवनिंग क्या होता है, एक पर्टिकुलर समय है, एक एग्जैक्ट समय है, 2019 एग्जैक्ट समय है, मतलब एग्जैक्ट साल है। कोई भी एग्जैक्ट साल, समय, दिन, वो सब क्या है, वो सब कहलाएंगे आप वो पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मंडे, मंडे क्या है, एग्जैक्ट डेट है, सॉरी एग्जैक्ट डे है। और मैं बोलूँ 12, 12 क्या है, एग्जैक्ट डेट है। जनवरी, जनवरी एग्जैक्ट महीना है। महीना मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मंथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनवरी की बात कर रहा हूँ। तो जनवरी एग्जैक्ट क्या है, डेट है। तो समझ में आपको आना चाहिए, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून, ये सब एग्जैक्ट क्या है, समय के बारे में बात हो रही है। और पॉइंट ऑफ पीरियड क्या होता है, पॉइंट ऑफ पीरियड मतलब होता है, या पीरियड ऑफ टाइम भी उसे कहते हैं, या पॉइंट ऑफ पीरियड भी कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ पीरियड की जब हम बात करेंगे, तो पॉइंट ऑफ पीरियड भी बोल सकते हैं, पीरियड ऑफ टाइम भी बोल सकते हैं। तो जो फॉर का प्रयोग हम तब करेंगे जब हमें ये पता लगेगा कि सेंटेंस पढ़ने में कि जो समय है वो किसी पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं पहला सेंस वाला एग्जांपल दूं, तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि वह 4 बजे से खेल रहा है। तो 4 बजे क्या है, एग्जैक्ट समय तो है ना। तो वहां पे हम इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे, तो सेंस का प्रयोग करेंगे से के बदले। और फॉर, वो 4 घंटे से पढ़ रहा है। हम 4 घंटे, 4 दिन, 4 मिनट, 4 सेकेंड, 400 साल, 20 साल, 40 दिन, 40 साल, मतलब जब हम बात करेंगे पीरियड का, 2 दिन, 3 दिन, 50 दिन, 100 दिन, 1 साल, 2 साल, 12 साल। जैसे कि वह यहाँ 20 साल से रह रहा है,
तो 20 साल से रह रहा है, 20 ईयर, तो 20 ईयर मतलब ये पीरियड की बात कर रहा है, समय अंतराल की बात कर रहा है। आपको क्लियर हो जाना चाहिए, नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। पहला स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट होगा, देयर विल बी अ सब्जेक्ट, हैज ऑब्लिक हैव, जैसा कि आप पहले परफेक्ट टेंस में पढ़ चुके हैंज का प्रयोग करते हैं सिंगुलर के लिए, हैव का प्रयोग करते हैं प्लूरल के लिए, यस प्लूरल के लिए। फिर बीन, फिर देयर इज वर्ब फोर्थ फॉर्म। वर्ब फोर्थ फॉर्म क्या होता है, बहुत लोगों ने पता तो बता दूं, वर्ब फोर्थ फॉर्म मतलब होता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म, मतलब वर्ब का पहला रूप प्लस आईएनजी, जैसे गो का गोइंग, कम का कमिंग, उस तरीके से। फिर ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होगा, अदर वर्ड मतलब कॉम्प्लीमेंट भी होता है। सेंस ऑब्लिक फॉर, जैसा कि अभी हम पढ़ चुके हैं, सेंस कब लगेगा, फॉर कब लगेगा, वो सिचुएशन पे डिपेंड है, इट इज टोटली डिपेंड ऑन द सिचुएशन। फिर टाइम का मेंशन जरूर करेंगे, किस समय की बात हो रही है, और यही आपका सिंपल स्ट्रक्चर है। थोड़ा लंबा है बट इट इज़ वेरी इजी, व्हेन यू हैव स्टार्टिंग डूइंग प्रैक्टिस इट इज़ वेरी इजी, मतलब जो आप इसका प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो ये इजी है, ये भी मैं बोल सकता हूँ। जैसे कृतिका हैज बीन लविंग हर फादर सिंस हर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड क्या है, एग्जैक्ट टाइम है जब आप बचपन में थे, बचपना बचपन में, तो एग्जैक्ट टाइम है, पीरियड नहीं है वो। वो आप जहां अभी, मैं बोला मैं बचपन से खेल रहा हूं, तो आप बचपन से खेलो, एग्जैक्ट टाइम से आप खेल रहे हो, लेकिन मैं बोलो मैं 4 साल से खेल रहा हूं, तो ये 4 साल, 25 साल, 20 साल, ये एक पीरियड है, थोड़ा इसको समझ लीजिएगा बढ़िया से। कृतिका बचपन से अपने पिता से प्यार करती रही है, करती रही है या कर रही है, बातें की है। कृतिका हैज बीन लविंग हर फादर सिंस हर चाइल्डहुड। हैज क्यों लगा है, कृतिका सिंगुलर है इसलिए हैज लगा है। वे 2 घंटे से उसके बच्चे को खोज रहे हैं, भाई खो गया है तो खोज रहे हैं, ही हैज दे हैव, वे खोज रहे हैं तो दे लगेगा, दे प्लूरल है तो हैव लगेगा, सब्जेक्ट दे क्या है, थर्ड पर्सन है जो क्या है, प्लूरल है। बीन सर्चिंग हर चाइल्ड फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, 2 घंटा क्या है, समय अंतराल है कि पॉइंट ऑफ टाइम है, समय अंतराल है, यस समय अंतराल है, तो फॉर लगा है, ऊपर ऑल चाइल्डहुड था इस, मतलब वो एग्जैक्ट टाइम था इसलिए हम सिंस लगाए हैं। अब चलते हैं आगे, नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव कुछ चेंज नहीं होगा, बस आप याद रखिएगा एक छोटा सा माइनर चेंज होगा, वो ये है कि हैज ऑब्लिक हैव के बाद नॉट आ जाएगा। स्ट्रक्चर आप देख सके हो, सब्जेक्ट है, देयर इज द सब्जेक्ट, हैज ऑब्लिक हैव, नॉट बीन, वर्ब फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है लंबा लेकिन सिंपल स्ट्रक्चर है। फिर इसको हम समझते हैं, मैं सोमवार से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मंडे। मंडे क्या है, एग्जैक्ट दिन है इसलिए सिंस लगा है, तो आई के साथ हैव लगा है क्योंकि आई को हम जनरली क्या मानते हैं, प्लूरल मानते हैं। उस केस में अगर आप प्लूरल मानते हो तो उस केस में भी इवन आप आई को अलग भी रख सकते हो, आई हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मंडे। फिर वह 3 साल से बिल्कुल भी नहीं सुधर रहा है, होते हैं ना बहुत लोग तो वो दंग टाइप के, राउडी टाइप के, स्टबर्न जिद्दी टाइप के होते हैं जो सुधरते ही नहीं है, तो वह 3 साल से बिल्कुल भी सुधर न, नहीं सुधर रही है, तो लड़की है इससे शी लगेगा, शी हैज, लड़की के साथ हैज लगेगा। शी हैज नॉट बीन इम्प्रूविंग एट ऑल फॉर 3 ईयर्स, 3 साल से वो और सुधर नहीं रही है। 3 साल क्या है, क्या ये एग्जैक्ट टाइम की बात हो रहा है कि समय अंतराल के बारे में, सोचिए आप, उसके हिसाब से हमने लिखा है उसको, सोचिए। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरोगेटिव, तो द स्ट्रक्चर विल बी सेम बट वी आर एक्सचेंजिंग द स्ट्रक्चर, मतलब हम स्ट्रक्चर लगभग सेम होगा लेकिन कुछ जो पार्ट है स्ट्रक्चर का वो चेंज कर रहे हैं स्ट्रक्चर का, जैसे सब्जेक्ट को हम बाद में ला रहे हैं और हेल्पिंग वर्ब को पहले, तो ये हो जाएगा हैज ऑब्लिक हैव या हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल आपके सामने ही हैव यू बीन एक्सप्लेटिंग मी फॉर 2 डेज, क्या तुम 2 दिन से मेरा शोषण कर रहे थे। एक्सप्लॉयटिंग मतलब शोषण करना या किसी को बर्बाद करना, मतलब डिस्ट्रॉय वाला नहीं, किसी को आप मतलब इनिशियली अंदर अंदर बुरा बहुत खराब कर रहे हो, उसको बर्बाद कर रहे हो। जैसे आप क्या होता है, बहुत लोग होते हैं ना जो किसी छोटे बच्चे को बोलते हैं ना यार तुम मेरे छोटे बच्चे के जीवन बर्बाद कर रहे हो, तो वही बर्बाद करना मतलब ये नहीं कि वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, उसको जला रहा है, यहाँ मतलब है कि उसके लाइफ से खेल रहा है।
तो शोषण कर रहा है उसका, तो वहां मतलब एक्सप्लॉइटिंग। क्या वह शनिवार से अस्पताल जा रहा है, तो सेम है, लास्ट में रहा है, रही आ रहा है, से आ रहा है। अब हम देखें शनिवार, शनिवार का एग्जैक्ट डे है इसलिए यहाँ पे सिंस लगेगा। अब उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, हैज ही बीन गोइंग टू द हॉस्पिटल सिंस सैटरडे, हैज ही बीन गोइंग टू द हॉस्पिटल, गोइंग मतलब जाना, हैज लगा है क्योंकि स्ट्रक्चर कह रहा है ही सिंगुलर है इसलिए हैज लगा है, और सिंस क्यों लगा है क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एग्जैक्ट एग्जैक्ट दिन की बात कर रहे हैं इसीलिए एग्जैक्ट डे की। अब चलते हैं आगे, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव की बात करते हैं। जब हम प्लस नेगेटिव बात कर रहे हैं यानी कि हम नॉट की बात कर रहे हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट नॉट वी ऐड नॉट आफ्टर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जस्ट बाद हम नॉट को ऐड करेंगे, स्ट्रक्चर सेम होगा बस सब्जेक्ट के बाद नॉट को ऐड कर देंगे। आप कॉपी में लिखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। हैज ऑब्लिक हैव या हैव ऑब्लिक हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब का आईएनजी वाला फॉर्म, इससे गोइंग होता है कमिंग होता है वैसे। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस ऑब्लिक फॉर, जिसे जो हमें पता है, टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। क्या वह 10 साल से सेमिनार नहीं कर रही है, हैज शी नॉट बीन डूइंग सेमिनार फॉर 10 ईयर्स, क्या वे 29 जनवरी से इसकी रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब आप पर डे किसी की रिपोर्ट कर रहे हो और आपको बॉस को पता चला कि यार ये 29 जनवरी से रिपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, तो वो कैसे बोलेंगे, हैव दे नॉट बीन रिपोर्टिंग इट सिंस 29th जनवरी। जब डेट पहले लिखते हैं तो 29th फर्स्ट सेकेंड थर्ड लिखते हैं, वही जब डेट बाद में लिखते हैं तो नहीं लिखते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि जनवरी 29, अगर मैं जनवरी 29 बोलूँ तो वहाँ वहाँ 29 के बाद TH नहीं लिखूंगा, मैं पोजिशन की बात नहीं करूँगा, लेकिन वही मैं 29 पहले लिख रहा हूँ महीने से पहले तो वहाँ मैं पोजिशन लिखूंगा, जैसे 1st जनवरी 2nd जनवरी। लेकिन अगर ये ऐसे हो जनवरी 1 जनवरी 2 कहेंगे उसको, 1st सेकेंड नहीं कहेंगे। थोड़ा ये बेसिक होता है, आप जान जाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। और एग्जाम्पल हो सकता है जैसे वह, क्या वह 2 दिन से खाना खा रहा है, इसका क्या होगा, हैज ही सॉरी ना, क्या वो 2 दिन से खाना नहीं खा रहा है तो क्या होगा, हैज ही नॉट बीन ईटिंग फूड फॉर 2 डेज। इस तरीके से आप बना सकते हो, आप ट्राई करोगे आपको और अच्छे तरीके से आएगा, आपको नहीं आ रहा तब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आगे चलते हैं, WH वर्ड इसमें आ जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, सेम पूरा स्ट्रक्चर होगा, हैज ऑब्लिक हैव होगा, सब्जेक्ट होगा, बीन होगा, वो आपका फोर्थ फॉर्म होगा जनरली, ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होगा, सिंस ऑब्लिक फॉर होगा, टाइम होगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका एग्जांपल आप देख ही रहे हो हिंदी में, नवंबर से आप उस परेशानी को क्यों झेल रहे हो, वाई हैव यू बीन टॉर्चिंग द फीबल सिंस दैट फीबल सिंस नवंबर। याद रखिएगा अगर मैं दैट फेबल फेबल बोल रहा हूँ, अगर सिर्फ फेबल बोलूँ तो फेबल मतलब होता है कोई कमजोर व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, फेबल मतलब होता है कमजोर व्यक्ति, लेकिन जब मैं फेबल को मैं ऐड कर दे रहा हूँ दैट के साथ, तो मैं जब दैट फेबल होता है इसका मतलब वो परेशानी, जबकि फेबल मतलब अगर आप फेबल वर्ड सिर्फ एग्जैक्ट लो तो उसका मतलब होता है कमजोर, कमजोर व्यक्ति, कमजोर कुछ कुछ भी कमजोर, लेकिन दैट फेवर मतलब होता है परेशानी, याद रखिएगा उसको। वह 20 मिनट से कहाँ भर्ती कर रही है, भर्ती मतलब जनरली क्या होता है हायरिंग, तो वेयर हैज शी बीन हायरिंग फॉर 20 मिनट्स। आप कहीं जा रहे हो, कहीं जॉब जा रहे हो तो आप पूछ रहे हो कि बॉस कहाँ हायर कर रहे हैं सबको, कहाँ इंटरव्यू हो रहा है, इस तरीके से तो आप ऐसे पूछ सकते हैं, वेयर हैज शी बीन हायरिंग फॉर 20 मिनट्स, इस तरीके से। और भी आप एग्जाम्पल आप बना सकते हो, आप सोच सकते हो। अब चलते हैं आगे, जहाँ पे नॉट आएगा सेम को स्ट्रक्चर होगा, बस सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, WH वर्ड होगा, हैज ऑब्लिक हैव होगा, सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा, बीन होगा, वो आपका फोर्थ फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होगा, सिंस ऑब्लिक फॉर होगा, और लास्ट में टाइम, इजंट इट, मतलब ऐसा ही होगा ना, है ना। एग्जाम्पल है, मेरे प्रवेश के बाद से कौन मुंह बंद नहीं कर रहा है। देखिए मुंह बंद करके हंसना, मुंह बंद करके बोलना वो अलग होता है, अब मुंह बंद करना मतलब चुप होना एक तरीके से, मुंह बंद करना तो गैगिंग होता है, मुंह बंद मतलब कुछ बंद करना, उसको हम गैग बोलते हैं कि गैग योर माउथ, यानी मतलब अपने मुंह बंद करो, इसका मतलब यही होता है। हु हैज नॉट बीन गैगिंग हर माउथ सिंस माई एंट्री, मेरे एंट्री करने के बाद, टीचर लोग ऐसे बोलते हैं ना जिन्हें हम लोग टीचर लोग क्या बोलते हैं कि मेरे अंदर आने के बाद कौन आवाज कर रहा था, कौन मुंह बंद नहीं किया, चुप जाओ सब,
से बोलते हैं ना, वो आप यूज कर सकते हो गैगिंग। तो हु हैज नॉट बीन गैगिंग हर माउथ सिंस माई एंट्री, कौन अपना मुंह बंद नहीं कर रहा है। हर माउथ, यहाँ अगर सब लड़कियां हैं तो हर माउथ हो जाएगा, अगर मतलब लड़कियां भी हैं लड़के भी हैं तो हर गायब हो जाएगा, सिर्फ माउथ आएगा। और अगर लड़के हैं तो वहां क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, HIS हिज। आप बना सकते हो उस तरीके से। 2 घंटे से वहां क्या नहीं चमक रहा है, शाइनिंग, चमकना, चम शाइनिंग। तो वॉट हैज नॉट बीन शाइनिंग देयर फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से वहां क्या नहीं चमक रहा है। यानी ये क्वेश्चन ऐसा बनता है नहीं, लेकिन आप ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हो। ये जो सब टेंस है, ये सब हमने क्या पढ़ा अभी, छो के छो। पहले हमने पढ़ा पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव, फिर नेगेटिव पढ़ा हमने, फिर हमने इंटरोगेटिव पढ़ा, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव पढ़ा, फिर डबल इंटरोगेटिव पढ़ा यानी कि क्वेश्चन वर्ड वाले, फिर क्वेश्चन वर्ड प्लस आपके वहाँ पे नॉट, 6 हो गए। अब चलिए इसको देखते हैं एक साथ मिलाकर। जैसा कि आपने पूरा स्ट्रक्चर देखा है, फिर से आप उसको देख सकते हो। सब स्ट्रक्चर लगभग सेम है, सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव है, बीन है वो आपका फोर्थ फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, कम्प्लीमेंट है ये अफर्मेटिव यानी कि सिंपल स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट जिसको बोल सकते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट, स्टेटमेंट मतलब था कथन, कोई बात आप कह रहे हो, गलत सही पर आप कह रहे हो, गलत से मतलब कि वो गलत है तो आप गलत कह रहे हो, सही है तो सही कह रहे हो। वो सब्जेक्ट हैज ऑब्लिक हैव, नॉट आ जाएगा हैज ऑब्लिक हैव के बाद, फिर बाकी सब सेम। इंटरोगेटिव में क्या होगा, हैज ऑब्लिक हैव पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में, और बाकी सब सेम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। और डबल इंटर डी आई मतलब डबल इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH वर्ड आ जाएगा, हु व्हाट वेयर ये सब वर्ड आ जाएंगे, वाई ये सब वर्ड आ जाएंगे और बाकी सब सेम रहेगा। और DI+N जो लिखा है उसका मतलब है डबल इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, जिसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, जैसा कि आप इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में देख चुके हो, सेम वही स्ट्रक्चर है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, जो टोटल पूरा ये एग्जांपल आ जाएगा। जैसे माया सोमवार से रोना रो रही है, रोना रो रही है ना, अरे एक होता है रोना, एक होता है रोना रो रही है, दोनों अलग होता है। तो जगह माया हैज बीन क्राइंग सॉबिंगली सिंस मंडे, सॉबिंगली मतलब कोई मतलब बहुत ज्यादा रो रहा है, बहुत इमोशनली होके रो रहा है, उसको सॉबलिंग कहते हैं। रोना रो रही है मतलब कोई दुख की बात बता रही है उसको बोलते हैं क्राइंग, क्राइंग मतलब यहाँ चिल्ला, यहाँ वीपिंग मैंने क्यों नहीं देखा, क्योंकि वो रो नहीं रही, रियली वो नहीं रो रही है, क्राइंग वो बता रही बार बार अपना दुखड़ा, रो रही है दुखड़ा बता रही है, दुखड़ा बता रही है, रो रही है लेकिन थोड़ा चिल्ला चिल्ला के रो रही है, और साथ में क्या कर रही है, दुखड़ा बता रही है। तो वहाँ आप यूज कर सकते हो क्राइंग सॉबिंगली, सॉबिंगली। माया सोमवार से बिलख नहीं रही है, आप बिलखना भी बोल सकते हो, रोना बात एक ही है। माया हैव नॉट बीन क्राइंग सॉबिंगली सिंस मंडे, क्या माया सोमवार से रो रही है, हैज माया बीन क्राइंग सॉबिंगली सिंस मंडे, क्या माया सोमवार से नहीं रो रही हैज माया नॉट बीन क्राइंग सॉबिंगली सिंस मंडे, सोमवार से माया क्या कर रही है, मतलब यहाँ पूछ ही दिए क्या कर रही हो, तो वो जो क्राइंग सॉबिंगली वो गायब हो जाएगा। व्हाट हैज बीन माया डूइंग, वहाँ डूइंग काम करना मतलब डूइंग, तो व्हाट हैज बीन माया डूइंग सिंस मंडे, मंडे से वो क्या कर रही है, हैं कुछ सुने उसके बारे में, तो आप पूछ रहे हो कि क्या कर रही है, आपको एग्जैक्ट पता नहीं रहता, आप पूछ रहे हो। सोमवार से माया कहाँ नहीं, सॉरी कहाँ नहीं कर रही है, मतलब ये जो काम है वो कहाँ नहीं कर रही है, तो वेयर हैज नॉट बीन माया, सॉरी गलती हो गया है, ये ऐसे नहीं बनेगा, रियली सॉरी, ये बनेगा माया वेयर हैज माया नॉट बीन होगा, रियली सॉरी, वहाँ आप चेक कर लीजिएगा, वेयर हैज माया पहले आ जाएगा, वेयर हैज माया नॉट बीन डूइंग सिंस मंडे, आप डूइंग की जगह क्राइंग सॉबिंगली भी लिख सकते हो या आप डूइंग भी लिख सकते हो, बात लगभग सेम है, बस कहने का तरीका अलग है, प्रश्न पूछने का तरीका अलग है, आप उसको चेक करके अलग तरीके से बना सकते हो। अब हम चलते हैं थोड़ा एग्जाम्पल, जिससे आपको और समझ में आए, आप करोगे तो आपको और अच्छे तरीके से आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, पल्लवी सुबह से खाना बना रही है, सुबह या सुबह से, सुबह जल्दी हम उर्दू उर्दू में बोल सकते हैं, या हम इसको एक तरीके से एक क्या कहते हैं वो मतलब एक पोएट्री में सब वर्ड यूज होता है, तो मैंने वहाँ से इसको लिया है, सुबह सुबह इसका मतलब ही होता है। पल्लवी सुबह से खाना बना रही है या बन रही है, वहाँ बना होगा, बना रही है।
वे 5 घंटे से अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, मतलब कोई डॉक्टर है वो ऑपरेशन कर रहे हैं तो जनरली कोशिश कर रहे हैं पूरी, उसका क्या होगा आप बनाइएगा, नहीं आएगा पूछिएगा जरूर। 20 दिनों से सचिन घोड़े की सवारी क्यों कर रहा है भाई, 20 दिनों से क्यों कर रहा है? अरे ठीक है, 1-2 दिन किया किया, 20 दिन से क्यों कर रहा है? इस तरीके से आप क्वेश्चन जब पूछते हो तो उसका आंसर इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन बनाओगे वो आप कोशिश करिए। इस उस घटना के बाद से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, जब से वो हादसा हुआ है, वो दुर्घटना हुई है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। इस तरीके से आप बनाने की कोशिश करें, आप अपने से भी ट्राई कर सकते हैं, आपकी बुक में कई सारे एग्जाम्पल दिए होंगे, आप ट्राई करें, नहीं आए पूछें मुझसे, जो गलतियाँ हुई हैं अगली बार मैं ट्राई करूँगा वो गलतियाँ ना हो, मैं ये पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद, लेकिन अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो ज़रूर अपने दोस्तों शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगले टेंस का, जैसे कि फ्यूचर टेंस का, अगर आप मैं वीडियो डालता हूं तो आपको पहली तुरंत, मतलब पहले ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि हाँ वीडियो आ गया है, या मतलब पहले कहने मतलब कि वीडियो मैंने डाला तो आपको तुरंत पता चल जाएगा वीडियो आ गया है, फिर आपको जब टाइम मिले आप जाके देख लीजिएगा, अपने दोस्तों जरूर शेयर करें। और एट लास्ट रियली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।